बावलोक चार ऐसे करेक्टर जिन्होंने पूरे शो को अपने कंधे पर उठाया है एवरी टाइम इनी शो गेम ऑफ थ्रोन्स एज वेल हाउस ऑफ द ड्रैगन। बात अगर गेम ऑफ थ्रोन्स की करें तो डेनिरिस टारगेरियन एंड जॉन स्नो, और बात अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन की करें तो डेमन टारगेरियन एंड एमन टारगेरियन। इन चार कैरेक्टर ने बाबा बैक टू बैक पूरे शो को अपने नाम किया है, जिसके लिए लिटरली फैंस वेट करते थे। डेनिरिस टारगेरियन की जैसी सॉलिड जर्नी पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स में रही है। वो हर बार शो का ध्यान अपनी तरफ खींचती थी, जिसने जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं था, अपनी डिप्लोमेसी से जैसे तैसे आर्मी जोड़ी, उसके बाद ड्रैगन्स बड़े किए और तब जाके पूरे वेस्टरोस पर धावा बोला है। लेकिन एकमात्र टारगेरियन जिसने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया था, और बाकी टारगेरियंस की तरह नहीं, जो उसे विरासत में बहुत कुछ मिला था, कहीं से कहीं तक इसके फेवर में कुछ भी नहीं था, लेकिन बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी वाला जो एटीट्यूड होने के कारण सारे ऑड्स को अपने फेवर में करा और हर बार अपना रास्ता खुद बनाते हुए आगे बढ़ी है। काफी इंस्पिरेशनल करेक्टर जो बताता है कि इफ यू हैव विजन एंड फोकस बाबा मंजिल तुम्हें मिलकर रहेगी। दूसरी तरफ जॉन स्नो का करेक्टर भी सेम डेनिरिस की वाइब देता था। जीरो से स्टार्ट किया, नाइट वॉच का लॉर्ड बना, एक फाइन वॉरियर बना, काफी जर्नी तय करी है, मतलब पूरे दुनिया में घूमकर एक बेहतरीन लीडर के रूप में उभर कर सामने आया। हाई एक्सपीरियंस्ड वॉरियर और राइडर, काइंड हार्टेड पर्सन जिसने डेनिरिस की मदद करी थ्रोन दिलाने में, खुद एक किंग बनने के रूप में काबिल होने के बाद भी हंसते हंसते त्याग दिया उस थ्रोन को। बेस्ट एवर कैरेक्टर ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। वहीं अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन की बात करें तो बाबा एमन टारगेरियन ग्रीन्स की तरफ से पावरफुल कंटेंडर, जो मात्र 15 से 16 साल का लड़का था, जो एक्चुअली बैकबोन है ग्रीन्स का। विदाउट एमंड ब्लैक्स अब तक कप्पा ग्रीन्स को मसल कर रख देते। एकमात्र बंदा जिसका खौफ चलता है ना कि सिर्फ ब्लैक्स में बल्कि ग्रीन्स में भी। लो टेंपर है, जिसने रेस्पॉन्सिबली ग्रीन आर्मी यानी अपनी साइड को संभाल के रखा है मात्र एक वेगार ड्रैगन के दम पर। कम उम्र का, अच्छा बैटल वॉरियर है, वेगार का पूरा इस्तेमाल करता है दुश्मनों के ऊपर खौफ बनाने का। बैक टू बैक दो बार सफल हुआ है ब्लैक्स को भारी कैजुअलिटी देने में, लाइक अरैक्स ड्रैगन और उसके राइडर को मारा, देन उसके बाद मैलिस ड्रैगन और उसके राइडर को भी मारा। ही इज जस्ट लाइक अ लोन वुल्फ। दूसरी तरफ डेमन टारगेरियन की बात करें तो बाबा ब्लैक्स की मात्र एक ये बंदा जिसके लिए फैंस का पागलपन निकलता है, जो एमन टारगेरियन का खौफ न्यूट्रल करता है ब्लैक्स हाइट की तरफ से। अगर ये ना होता तो एमन अकेले ही पूरे ब्लैक्स को बिना डकार मारे निकल जाता। हाई एक्सपीरियंस बैटल वॉरियर, ऑल्सो ड्रैगन राइडर, लो टेंपर टारगेरियन है, एकदम फाइन हीरोइक पर्सनैलिटी, यूनिक एटीट्यूड जस्ट लाइक वॉरियर, थोड़ा सा मूडी है, कब क्या कर दे कुछ नहीं कह सकते, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है, भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते इस पे। इतना रेस्पॉन्सिबल भी नहीं है, अपनी ही मन की करने वाला बंदा है, लेकिन एकमात्र यही बंदा है जो एमन टारगेरियन को मारेगा, तब जाके ग्रीन्स कब्जे में आएंगे। तो वाह, ये चार कैरेक्टर हैं जो एवरी टाइम शो में ध्यान खींच के ले जाते थे। फैंस जो इनके डाई हार्ट फैन थे, इनके लिए वेट करती थी कि ये बाकी की फालतू चीजें मत दिखाओ, बस हमारे फेवरेट कैरेक्टर का ये वाला स्क्रीन टाइम दिखाओ। तो आपका फेवरेट हीरो कौन सा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और कौन आपका ध्यान दिल चुरा के ले जाता था हर बार कि भाई बस यही दिखाओ और कुछ मत दिखाओ। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे बना सकते हैं बाबा, सजेस्ट मी, बता के जाना जरूर। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।